इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स आतंकियों को अपने देश से खदेड़ने के साथ साथ गाजा पट्टी में मौजूद आतंकियों को खत्म करने में लगी है। लेकिन हमास के आतंकी इतनी आसानी से खत्म होने वाले नहीं, और इसकी वजह वो बिल है जिसमें हमास के आतंकी छिप कर बैठ जाते हैं। दरअसल हमास ने सुरंगों के एक नेटवर्क के जरिए एक अंडरग्राउंड शहर बसा डाला है। पूरे गाजा में इसके दर्जनों एक्सेस पॉइंट है। हमास के आतंकी इन सुरंगों में छिपने के अलावा वहाँ हथियार भी रखते हैं। कुछ सुरंगें गाजा पट्टी से सीधे इजरायली सीमा के करीब तक भी जाती हैं। यही वजह है कि दक्षिणी इजरायल की सीमा पर रहने वाले लोग हमेशा डर के साए में रहते हैं। आपको बता दें कि गाजा पट्टी में रहने वाले लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं। यहाँ लोगों के पास अपने घर नहीं है, लेकिन हमास लाखों डॉलर इन सुरंगों को बनाने में लगाता है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि हर महीने इजरायल से सिविल प्रोजेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल भेजा जाता है, लेकिन इस मटेरियल का इस्तेमाल हमास भी करता है। इजरायल हर साल सैकड़ों टन बजरी, लोहा, सीमेंट, लकड़ी और अन्य सामान गाजा पट्टी भेजता है। हमास इसके जरिए अस्पताल, स्कूल और घर बना सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करके इसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड आतंकी शहर बनाने में करता है। इजरायली डिफेंस फोर्स की ग्राउंड फोर्स कई बार इन सुरंगों को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन सुरंगें इतनी अच्छी तरह से छिप कर बनाई गई होती हैं कि उन्हें खोज पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि जब भी कोई सुरंग इजरायली सेना को मिलती है तो वो उसकी पूरी तरह से तलाशी लेते हैं, इसके बाद उसे ध्वस्त कर देते हैं। आपको बता दें कि इसी तरह कश्मीर में भी आतंकी सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार पीओके से घुसने वाले आतंकी हमला करने के बाद सुरंगों में छिप जाते हैं, हालांकि उनकी सुरंगें हमास की तरह एडवांस नहीं होती।